अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे हरे मसाले की कलेजी। ये बहुत ही ज़बरदस्त है खाने में। आप इसको रोटी चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए हमें लगेंगी 1/2 kg कलेजी। लिए हमने इसको इस तरह छोटे छोटे पीस में कट करके इसको अच्छी तरह से वॉश करके रखें। 2 मीडियम साइज़ के हमने अनियन लिए हैं, प्याज इसको भी हमने बारीक चॉप किए, 1 टमाटर है और 1 मुट्ठी हरा धनिया, 2 हरी मिर्ची है इसमें बारीक चॉप की हुई, और हमें 3 टेबल स्पून दही लगेगा, और ये 50 ग्राम से ज़्यादा है, और हमें 3 टीस्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक और हरी मिर्ची का पेस्ट लिए। अगर आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले रहे हैं तो फिर हरी मिर्ची का 1 टीस्पून, 4 हरी मिर्ची पीसी भी लेनी है आपको। इसमें हमने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर भर के फूल लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून से ज़्यादा हम इसमें गरम मसाला पाउडर लेंगे। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। नमक लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब ली हूँ, और हमें कसूरी मेथी लगेगी 1 टेबल स्पून भरकर। अभी स्टार्ट करेंगे हम बनाना। हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई, इसमें 1 चम्मच भर के हमने ऑयल डाले, ऑयल गर्म हो गया है। प्याज लाइट गोल्डन हो गई है, अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, और टमाटर नरम होने तक हम इसको पकाएंगे। टमाटर थोड़े नरम हो गए, अब इसमें हम जिंजर गार्लिक का और चिली का पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें नमक डालेंगे, अब ये कलेजी को डालेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। कलेजी का जो कच्चापन है वो इसमें अच्छी तरह से पक चुका है। अब ये सारे मसाले और साथ में दही खोली, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किए। अब इसमें थोड़ी हरी मिर्ची डालेंगे और हरा धनिया, इसको हमने 2 मिनट अच्छी तरह से भुने। अभी इसमें हम ये कसूरी मेथी है इसको ऐड करेंगे, हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1/2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके रखेंगे 5 मिनट के लिए कलेजी गलने तक, और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसका, जो मसाला इसमें भुना गया है इसके। हम चेक करेंगे, 5 मिनट हो गए, बहुत ही अच्छी तरह से ये पक चुकी है, आप देख सकते हैं कि इस तरह से। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। अगर आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो 1/2 गिलास पानी ऐड करके आप इसको थोड़ा पकाकर इसमें ग्रेवी, मैंने जब 1/2 ग्लास डाली थी तो उस टाइम में आप 1 ग्लास डाल सकते हैं, और इसकी थोड़ा सालन टाइप में ग्रेवी रख सकते हैं। अभी हम गैस ऑफ करेंगे। ये हो गया रेडी, हमने डिश आउट किए, बहुत ही अच्छा बना है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है। ये कोकनी रेसिपी है, मैंने कोकनी तरीके से बनाई हूँ जिस तरह हम लोग बनाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको दाल चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ, और बहुत ही टेस्टी है। इसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी है।
आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।